हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग आए हुए हैं अपने खेतों पर। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आए हुए हैं अपने खेतों पर। मैं गांव आई हुई हूँ अपने, तो बहुत दिनों बाद खेतों पर घूमने आए हैं हम अपने पे। देखिए मम्मी आई हैं, धनेश भी है और वो मेरा भाई भी है उधर, सपना है, सब लोग आए इधर। तो फ्रेंड्स, हम लोग आए हुए हैं पूरे 2 साल बाद खेतों पर कि देख के तो आते हैं क्या हाल हो रखा है खेतों का। क्योंकि पापा होते तो उन्हें उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही कर लेते थे। और भाई दोनों ड्यूटी पर रहते हैं और मम्मी अकेले कैसे संभाल सकती है इतना सब कुछ। तो हम सारे लोग छुट्टी आए हुए थे, तो देख के आते हैं खेतों का क्या हाल हो रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये खेत हैं, यहीं खेती करते थे मेरे पापा। और बिटिया रानी को बिठा दिया है नीचे खेत में। और देखिए तनिष कहाँ पहुंच गया है खेतों पे घूमते घूमते। क्या हाल है गाँव में घूम के? मजे आ गए आज तो है? बहुत सालों बाद खेत देखे हैं अपने गाँव की मिट्टी। तो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं घर और घर से फिर जाएंगे हम मार्केट। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं दोपहर में मार्केट और मम्मी लेके आई थी कि सारे अपने लिए कपड़े ले लो, तो वही कपड़े वपड़े लेने आए हुए थे हम। ना इधर देखो, इधर तुम भी साड़ी खरीद रही हो। तो फ्रेंड्स, हमको काफ़ी देर हो गई है, 2-3 दुकान हमने बदल दी हैं। कभी साड़ियों का मन करता है लेने का, कभी सूट लेने का मन करता है। तो मम्मी ने बोला कि साड़ियाँ भी ले लो और सूट भी ले लो, तो हम लोग वही देखने लग रहे हैं। और हमारी बिटिया रानी हो गई है परेशान, अब बिल्कुल भी नहीं रह रही है, इसको चाहिए गोदी। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमने ये कपड़े ले लिए हैं और साड़ियाँ भी ली हैं, कुछ सूट भी लिए हैं। और हम लोगों को मार्केट में घूमते घूमते लग गई है छोटी मोटी भूख, तो हम लोग आए हुए हैं एक शॉप पर, यहाँ खा रहे हैं हम पेटीज। और देखिए मेरे शैतान बेटे को, और बेटी खा रही है आइसक्रीम। हमारे कटन नीचे हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो हम अगले दिन चल दिए हैं हनुमान जी के दर्शन करने, रुदावल वाले हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे हैं। हम लोगों की मान्यता है वहाँ की, क्योंकि जो भी कोई शुभ कार्य करते हैं उससे पहले हम वहाँ ज़रूर माथा टेक के आते हैं। तो हम जा रहे हैं पूरी फैमिली के साथ वहीं पर, तो चलिए फिर हम लोग वहाँ मिलते हैं आपको। और फ्रेंड्स, मेरा भाई और उसकी वाइफ नहीं आए हैं, क्योंकि सोनाली की थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसलिए वो नहीं आ पाई है। तो हम लोग जा रहे हैं कहाँ? इसका भी मुंह धुला देती। चलो अरे चप्पल।
फ्रेंड्स मंदिर में बहुत कम भीड़ है क्योंकि आज है बुधवार और मंगलवार को ज़्यादा भीड़ रहती है। तो फ्रेंड्स यहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं है तो मैं थोड़ी सी वीडियो बना पाई हूँ, तो आप दर्शन कर लीजिए हनुमान जी के। तो देखिए फ्रेंड्स रात के बज गए हैं 8:30 और हम लोग रुदावल के मार्केट में खड़े हुए हैं क्योंकि मेरे भाई को प्लेस करानी है वर्दियों पर और वो जाएगा कल ड्यूटी। और तनिष को लग गई थी भूख तो उसको गोलगप्पे या कुछ और भी खाना था, तो हम लोग मार्केट में खड़े हुए हैं। आइसक्रीम जला दो। आइसक्रीम नहीं है यहाँ पर, वो देखो वो रही। हेलो जी, तो हम लोग आ गए हैं मंदिर से घर। आज हम गए थे हनुमान जी के मंदिर, वो रुदावल में पड़ता है, रुदावल वाले हनुमान जी हमारे मान्यता है उनकी, तो हम लोग वहीं जाते हैं जो मतलब कोई भी शुभ काम करते हैं तो उससे पहले वहाँ जाके आते हैं। और मेरा बेटा आके नहा लिया है तनिष, इसको लग रही थी गर्मी, थक गए बहुत बुरी तरह से, अभी कपड़े भी चेंज नहीं किए। कल तन्नु का बर्थडे मनाया था, तन्नु कैसा लगा तुम्हें? अच्छा, पर केक बहुत गंदा था। केक गंदा था? टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा। क्यों? टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा था। टेस्ट क्यों अच्छा नहीं आ रहा था? बहुत अच्छा था। एगलेस केक बनवाया था उसकी बार हमने, मम्मी खाती नहीं है ना एग का कोई भी आइटम, नानी नहीं खाती, नहीं तो उसमें केक में एग आता है। अभी वाल एगलेस केक इसको अच्छा नहीं लगा, बोल रहा है कि अच्छा टेस्ट नहीं है उसमें। यह है मंदिर का प्रसाद, जहाँ गए थे वहीं से प्रसाद लेके आए हैं। नहीं बेटा, ये तुम्हारे काम का नहीं लगता, उसको मामी का है। नो, यहाँ लगाने का नहीं है, वो सिंदूर है, चलो रख दो। और तनिष के पापा चले गए हैं आगरा, रात को तो इधर ही रुके थे वो, बर्थडे मनाया, फिर सुबह 5:30 वो निकल गए थे यहाँ से और मैंने उनके लिए खाना यहीं से पैक करके दे दिया था क्योंकि फिर वहाँ ड्यूटी के टाइम पे फिक्स ही टाइम पे पहुँचते, फिर कहाँ नाश्ता करते, मैस में जाना पड़ता, फिर मैंने इधर से ही पूरा लंच ही पैक करके दे दिया था। करेले की सब्ज़ी बनाई थी रात को, ये सब काट पीट के रख दिया था मैंने, नमक वगैरह लगा के रख दिया था, सुबह जल्दी से वो बना दी सब्ज़ी और वो 5:30 इधर से निकल गए थे क्योंकि 7:30-8 तक उनको ड्यूटी जाना होता है, तो ड्यूटी चले गए थे। और हम लोग जाएंगे परसों आगरा क्योंकि मेरा भाई भी जाएगा, उसके साथ ही मैं चली जाऊंगी क्योंकि इसके पापा को छुट्टी नहीं है इधर लाने के लिए, तो मैं भरतपुर तक चली जाऊंगी इनके साथ, वहाँ उसके पापा जाएंगे लेने मुझे। और थक गए बुरी तरह से, डेली कभी इधर कभी उधर, यहाँ जाते हैं तो डेली कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर जाते हैं हम, क्योंकि घर में टाइम पास होता नहीं है, फिर निकल जाते हैं। तो अभी 9:30-10 हो रखे हैं, अब आए हम हनुमान जी पैसे, वहाँ दर्शन करके आए थे, माथा टेक के आए थे, बहुत मन को शांति मिलती है उधर, हमारी बहुत मान्यता है वहाँ की। अब मेरी बेटी 1 साल की हो जाएगी तो उसका मुंडन वहीं करवाऊँगी मैं, तनिष का भी वहीं कराया था, और कोई सवा मनी वगैरह होती है तो हम वहीं चढ़ाते हैं, कुछ खाना पीना बना के यहाँ से ले जाओ, चूरमा दाल बाटी चूरमा का भोग लगता है हनुमान जी का हमारे इधर। तो अब की बार तो नहीं लेके गए थे क्योंकि थक गए थे अब, और आज बुधवार था तो इसलिए अब नहीं लेके गए, पिछली बार तो चढ़ाया था हमने।
तो फ्रेंड्स, मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। और अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय। एक महीने की तब से ही घूम रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट।